राजस्थान में एक बार फिर सरकारी स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। टोंक जिले में शिक्षक ने एक छात्र को इतना पीटा कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। छात्र की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। बच्चा अभी भी अस्पताल में भर्ती है। बच्चे के पिता ने बताया कि लंच के समय बात करने पर शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। शिक्षक ने आते ही गर्दन पकड़कर बच्चे को नीचे गिरा दिया और इसके बाद उसके गर्दन पर पैर रखकर उसे मारने लगा। शिक्षक ने उसे तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अन्य बच्चे डरकर शोर मचाने लगे तो वहाँ अन्य शिक्षक भी आ गया और बच्चों को धमकाने लगे कि इस बारे में किसी को नहीं बताना है, अपने माता पिता को भी नहीं। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार बच्चे की पीठ में चोट आई है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।